जब मूवीज रिलीज के करीब होती हैं तो बड़ा ही मजा आता है। सभी शादी की बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी के लिए भी। और इस बार पेज 3 पर द बिग खुलासा ऑफ द वीक कम्स फ्रॉम द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ बॉलीवुड रणवीर सिंह, हु नाउ एडमिट्स दैट इट्स टाइम टू सेटल डाउन। यानी रणवीर अब शादी के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। रिपोर्टेडली रणवीर बहुत जल्द अपना 30th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं एंड दैट बायोलॉजिकल टिकिंग क्लॉक हैज मेड हिम क्वेश्चन हिज सिंगल स्टेटस। रणवीर का कहना है कि अब तो टाइम आ गया है कि मैं शादी के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दूं। क्या रणवीर ने कोई डिम्पल्ड डार्लिंग को प्रपोज किया है या उनकी नजर में कोई आइडियल टॉल डस्क की डिम्पल्ड वाइफ है? इस पर रणवीर का कहना है कि अभी वक्त हुआ है सीरियसली सोचने का, लेकिन सीरियसली इस डिसीजन पर एक्ट करने के लिए अभी टाइम बाकी है। सो आफ्टर ऑल द मोस्ट एलिजिबल बैचलर का टैग वो अब भी अपने पास ही रखना चाहते हैं। Well, we wonder how a certain Deepika Padukone is going to react to his recent resolution. Deepika and Ranveer are the most talked about couple in Bollywood, and now Ranveer bhi shaadi karne ke mood mein nazar aate hain. So, kya hum ye samajh le ki Ranveer was dropping a hint through this interview for his dimpled darling Deepika to make the first move? We will keep you posted on who makes the first move. Till then, enjoy your last days as a bachelor, Ranveer. जब मूवीज रिलीज के करीब होती हैं तो बड़ा ही मजा आता है। क्या रणबीर कपूर तो क्या रणवीर सिंह सभी शादी की बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी के लिए भी। Did you just ask me कि रणवीर सिंह और दीपिका चुप चुप कर मिलते हैं? नहीं। Well, वो कहते हैं ना कि आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। पर हाँ, हम आपको लेटेस्ट गॉसिप जरूर सुना सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, मोर चटपटा न्यूज कमिंग योर वे।